We are going to start chapter number 62, revolutions. Revolutions का मतलब होता है बच्चों क्रांतियाँ. Okay? देश में, हमारे देश में और पूरे संसार भर में अनेक प्रकार की क्रांतियाँ हुई हैं. तो उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं. There have been many revolutions in the past. Past में बहुत सारे revolutions हुए हैं. Write the name of these revolutions. In revolutions के नाम लिखें. Fidel Castro, एक lawyer थे ये. Okay? इन्होंने इस revolution को lead किया था in 1950s में. He overthrew the dictator Fulgencio Batista and established a new religion. इन्होंने उखाड़ फेंका था इस revolution के जरिए किसको? डिक्टेटर फुलगेंशियो बटिस्टा को. और इस्टैब्लिश किया था एक न्यू रिजन, और उस रेवोल्यूशन का नाम था क्यूबन रेवोल्यूशन. क्या नाम था उसका? क्यूबन रेवोल्यूशन. नंबर टू पे है, इट वॉज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन इन द कंट्री ऑफ जॉर्जिया इन 2003. ये इसमें यहाँ पर कोई खून नहीं बहा था, ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्रांति थी जॉर्जिया में जो हुई थी 2003 में. दैट डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट एडवर्ड शिवर्ट नाडजे, जिन्होंने इन प्रेसिडेंट को, जिस रेवोल्यूशन ने इस प्रेसिडेंट को डिस्प्लेस कर दिया था, और उस रेवोल्यूशन का नाम था रोज रेवोल्यूशन. नंबर तीन पर हम देखते हैं, दिस रेवोल्यूशन बिगैन, ये क्रांति शुरू हुई थी एज अ म्यूटिनी इन 1917, मतलब एक म्यूचुअल बातचीत के जरिए. इट एंडेड इन ओवरथ्रोइंग सार, यहाँ ये खत्म हुई सार के पराजय होने के साथ. रशिया वॉज देन डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट नेशन, तब उसके बाद रशिया को एक सोशलिस्ट नेशन डिक्लेयर किया गया, और इस रेवोल्यूशन का नाम था रेड रेवोल्यूशन. आगे चलते हैं. इन 1789 में किंग लुईस 16 ऑफ फ्रांस और उनकी जो रानी थी मैरी एंटोनटी वर एग्जीक्यूटेड, ये आए थे पावर में. ओके? एंड एक रिपब्लिक सेटअप किया गया था. किस रेवोल्यूशन के जरिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए ऐसा हुआ था कि किंग लुईस 16 और उनकी क्वीन पावर में आए थे और एक रिपब्लिक सेट किया गया था. आगे चलते हैं. नंबर फाइव पे देखेंगे, इन 1989 में ये भी एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था जो हुआ था जिकोस्लोवाकिया में, जिसमें उनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो उखाड़ फेंक दी गई थी, मतलब पराजित कर दी गई थी, और ये रेवोल्यूशन था वेलवेट रेवोल्यूशन. नंबर सिक्स पे देखेंगे, दिस रिवॉल्यूशन बिगैन, ये शुरू हुआ था 10th अक्टूबर 1911 को चाइना में, और ख़त्म हुआ था विद द एब्डिक्शन ऑफ एम्परर पूजी ऑन 12th फरवरी 1912 में. ओके? और इस रेवोल्यूशन का नाम था क्सिन हाई. ओके? ऑन 25th अप्रैल 1974 में पुर्तगाल में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ. इट वॉज पिक्युलर इन द सेंस दैट द रिवॉल्यूशनरीज यूज्ड कार्नेशन फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ बुलेट्स इन देयर गन्स. इसमें रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी गन्स में बुलेट्स की जगह कार्नेशन फ्लावर्स का यूज़ किया. इस क्रांति का नाम है कार्नेशन रिवॉल्यूशन. लास्ट है, इन 1773 अ बॉन्ड ऑफ कॉलोनिस्ट के एक बॉन्ड ने समुद्र से होते हुए एक चाय के कार्गो को डंप किया एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और इसे कहा गया बोस्टन टी पार्टी, एंड इट स्पार्क्ड ऑफ अ रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन का नाम था अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो बच्चों, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है, राइट? आई होप कि आपको ये समझ
आ गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू।